ये कह रहा है कि एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी ऐसे 25% कम कुशल है, सी ऐसे 60% अधिक कुशल है, बी और सी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी और सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है ए और बी सी का। इस लाइन को पढ़िए आप, बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि हम आपसे ये कहें कि अगर ए 4 है तो बी इससे 1 कम यानी कि 3 है। अब इस लाइन को पढ़िए, सी इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर यहाँ से बी अगर 5 है तो सी जो है इसे 3 ज़्यादा यानी कितना आएगा, 8 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो में निकल कर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 20, 15 और 24। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल पाएंगे क्योंकि ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में करता है और ए का एफिशिएंसी कितना है, 20 है। तो टोटल वर्क क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 20 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 600। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और सी जो है मिलकर 10 दिनों तक तो काम करते हैं, तो 5, 4, 9 और 2, 1, 3, 39 एफिशिएंसी के साथ 10 दिनों तक तो इन्होंने काम किया, तो कितना काम किया, 390 काम किया। तो अगर मैं यहाँ से 390 को माइनस करता हूँ तो रिमेनिंग वर्क जो निकल कर आएगा वो कितना जाएगा आपका, 0। और ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2, 210। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए जो है शेष कार्य का कितने दिन में पूरा करेगा, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका, 210 है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 20 से, तो बटे में करेंगे 20। एक कितने बार में जाएगा, 10 से ही 1/2 दिन में। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए के द्वारा 10 से ही 1/2 दिन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।